हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ पूजा लिम्बानी फ्रॉम यूनिटी पब्लिक स्कूल कैम्ब्रिज, स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट ईवीएस, चैप्टर 19। अवर फ्रेंड्स एनिमल्स। यहाँ पे हम देखते हैं चैप्टर को। द चिल्ड्रंस इन द क्लास वेर स्टर्ड ऑन हियरिंग द साउंड टैग। क्लास मतलब जो भी चिल्ड्रंस थे वो क्लास में बैठे थे। उसने क्या मतलब उसने कौन सी आवाज़ सुनी? टक टक जैसी आवाज़ सुनी और सबने देखा। द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन। और वो आवाज़ कहाँ से आती वो आवाज़ कहाँ से आई थी? सीलिंग फैन से। कल्याणी शाउटेड, कल्याणी चिल्लाई और सबने सबको बोला, लुक लुक अ बर्ड इज़ हर्ट। देखो ये बर्ड को कितनी चोट आई है। पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक अप द बर्ड। और पीटर उठा वहाँ से और उसने वो बर्ड्स को उठाया और देखा, उसे उठाता है और उसको देखता है। इट वॉज़ इन पेन। उसे बहुत सारा दर्द हो रहा था। नवजीत एंड अली क्विकली ब्रॉक्ड वाटर इन अ बाउल। वो नवजोत और अली, वो जो दो लड़के थे, उन्होंने क्या लिया? बाउल लिया। बाउल में पानी भरकर तुरंत ही आए। पीटर लवली पैटेड द बर्ड। और पीटर जो था वो बर्ड के पीछे पीठ पीछे टैप टैप कर रहा था, मतलब ठप ठप कर रहा था। ओके, एंड दे हाइड द बाउल टू द बिग बिग बर्ड्स बिग। ओके, और वो जो बाउल, जो पानी भर के जो बाउल लाए थे, वो बर्ड्स के बिग के मतलब बिग के पास रख दिया। एंड इट ड्रंक अ लिटल वाटर। और वो बर्ड ने थोड़ा सा पानी पिया और स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग। और उसने क्या पंख हिलाने शुरू कर दिए, पंख हिलाने शुरू कर दिए, मतलब फड़फड़ा रहे थे। ओके, उसके जो पंख थे वो फड़फड़ा रहे थे। एंड देन नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रंस टू मूव बैक। और जो नवजोत था वो क्या बोल रहा था कि चलो बर्ड्स उड़ रही है, वो कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो आप हट जाओ यहाँ से, आप हट जाओ। दे नोटिस दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई। और वो सब देख रहे थे कि जो बर्ड्स है वो ट्राई करनी है, उड़ने के लिए ट्राई कर रहे हैं, मतलब उड़ रही है। इन अ वाइल द बर्ड्स फ्लू अवे। एंड देन वो आसमान में उड़ी, मतलब वो आसमान में उड़ गई, सबने देखा तो वो आसमान में उड़ गई। नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन से बर्ड क्लियरिंग अबोव देम इन देयर क्लासरूम। और जब नेक्स्ट डे जब वो जो बर्ड थी, वो चिड़िया आई क्लासरूम में, तो सब देख रहे थे, उसे नोटिस कर रहे थे, क्या वही बर्ड है जो कल आई थी? द चिल्ड्रंस ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड दैट वॉज हर्ट द प्रीवियस डे। जो अगले दिन जो हर्ट हुई थी, क्या वही है वो बर्ड? द क्विकली स्विच ऑफ देन फैन की, जो फैन चल रहा था उसकी फटाफट से उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया और स्टार्टेड टू क्लैप। और सबने क्लिप की, तालियां बजाई। देन यहाँ पे है पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो आपको यहाँ पे ये जो स्टोरी थी यहाँ पे आपको रीअरेंज करना, मतलब करेक्ट नंबर देना है आपको यहाँ पे। तो है तो इसमें लास्ट वाला जो है वो फर्स्ट आएगा। द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन। तो वो जो फैन से टकरा गई थी उसे हर्ट हुई थी, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट। अच्छे से लिखते हैं फर्स्ट। ओके, देन सेकेंड आएगा नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉक वाटर इन अ बाउल। और वो बाउल में पानी भर कर लाए थे। दूसरा, देन थर्ड, पीटर लविंगली प्यार से उसे क्या थप थप किया था पीठ के पीछे, तो ये आएगा थर्ड। एंड फोर्थ, वो उड़ गई, वो जो बर्ड थी वो उड़ गई, फ्लू अवे। देन द चिल्ड्रन से बर्ड सर्कलिंग द देयर क्लासरूम।
देन नेक्स्ट डे वो वापस आई, वो चिड़िया, वो बर्ड वापस आई और क्लासरूम में घूमने लगी थी, वो लास्ट। ओके, तो यहाँ तक बर्ड्स की बात की गई थी। और दूसरा हम देखते हैं, शंकर वॉज वेरी हैप्पी, शंकर बहुत खुश था। अ कैट हैड गिवन बर्थ टू फोर किटन्स इन द कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस। शंकर खूब मतलब बहुत ही खुश था, क्योंकि वहाँ पे जो उसकी मतलब उसके घर के पास ही जो एक केट थी, एक बिल्ली थी, उन्होंने चार किटन्स को मतलब उसके बच्चे को जन्म दिया था कोर्टयार्ड में, आंगन में उसके, हिज हाउस में। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद देम, और वो उसे जब भी, शंकर को जब भी टाइम फ्री मिलता था तब उसे उसके साथ खेलता था, उसके साथ टाइम स्पेंड करता था। एंड वन मॉर्निंग शंकर वॉज वेक अप बाय द कैट्स क्राई। देन शंकर उठा तब उसे कैट की मतलब रोने की आवाज़ सुनाई दी, कैट की रोने की आवाज़ सुनाई दी। डू यू नो हाउ टू कैट क्राइजिस, देन ही रैन टूवर्ड्स द कोर्टयार्ड। देन शंकर फटाफट से उसके आंगन में गया। देन ही सेड दैट द कैट्स वॉज क्राइंग एंड कर्डिंग कैडलिंग इट थ्री किटन्स। देन वो जो कैट थी वो अपने बच्चे को प्यार से मतलब रो रही थी, और अपने तीन बच्चे थ्री किटन्स के साथ उसे प्यार से प्यार कर रही थी। एंड वन ऑफ किटन्स वॉज मिसिंग, देन वन किटन था वो मिस हो गया था। देन हाउ वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मेलिनी पैटिंग अ किटन, एंड शंकर कॉल्ड मालिनी इन टू हिज कोर्टयार्ड। देन शंकर उसे ढूंढने गया, तो वो बाहर गया आउटसाइड कोर्टयार्ड मतलब उसके आंगन के बाहर गया, तो मालिनी के पास उसका किटन था कैट का। देन शंकर उसे बुलाकर लाया घर में, और मालिनी से द कैट क्राइंग। देन मालिनी ने देखा तो वो कैट रो रही थी। व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन, तो क्या आपको पता है कि मालिनी क्या किया था? तो मालिनी हैव टेकन वन किटन अवे फ्रॉम मदर कैट। देन मालिनी ने क्या किया था, वो जो एक कैट के जो एक बच्चे को उठाकर वो किटन को ले गई थी बाहर। देन यहाँ पे काऊ की बात की गई है, भोली इज मनुज काऊ। देन जो भोली मनु की जो काऊ थी उसका नाम भोली था। मनु टेक भोली टू द फील्ड टू ग्रास डेली। देन वो हर रोज चराने जाती थी गाय को, अपनी गाय को। वन डे स्पेंडिंग स्कूटर हिट भोली। देन जब जा रहे थे तब तेज से आकर एक स्कूटर आई और उसे टकराई। देन उसके लेग के साथ टकराई, उसके पैर के साथ टकराई। देन उसके पाँव में से दे वुंड वॉज ब्लीडिंग हैविली। देन उसे बहुत सारा खून निकल आया था, मतलब वो गाय को हर्ट किया, वो काउ को हर्ट किया। देन यहाँ पे आगे है, चंदू धोबी लुक आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल। देन यहाँ पे है चंदू धोबी, वो अपने डोंकी के साथ मतलब दिखाई दे रहा है हमें क्या क्या कर रहा है। द डोंकी टू डज द लॉट ऑफ हिज वर्क, एंड जो वो जो डोंकी था उसके साथ कितना सारा काम करता है। लुक एट द पिक्चर्स, हमें ये पिक्चर्स देखने हैं। देन राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डोंकी, और वो क्या क्या कर रहा है, उसे नहला रहा है मतलब बाद में उसको ग्रास खिला रहा है, बाद में पानी पिला रहा है, उसे सजा रहा है, वो यहाँ पे हमें लिखना है। देन यहाँ पे है व्हाट नेम, ये रहेगा डू यू और एनी ऑफ योर नेबर हैड पैट, विच वन, अगर आपके पास कोई भी पैट एनिमल है तो आपको लिखना है यहाँ पे कि यस आई हैव अ पैट डॉग या कैट। ओके, तो यहाँ पे आपको लिख देना है व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पैट, और आपने अपने पैट एनिमल का नाम क्या रखा है। तो जो भी रखा है, अगर टाइगर रखा है,
या स्वीटी रखा है, वो जो भी रखा है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, मेंशन कर देना है. ओके, एंड देन व्हाट डू यू डू व्हेन योर पैटीज, जब आपका जब पैट भूखा हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसे क्या करते हैं आप? तो आई गिव माई डॉग, मतलब कि मेरा पैट है वो जो डॉग है तो उसे मैं क्या देता हूँ, तो बिस्कुट और मिट देता हूँ वैसे. ओके, देन फीलिंग हॉट और कोल्ड, जब उसे ठंड लगती है तो उसे गर्मी लगती है तो आप क्या करते हो, रैप माई डॉग इन अ ब्लैंकेट एंड कोल्ड वेदर. ओके, देन टेस्ट बाय समवन, देन उसे कोई चिढ़ाता है तो आप क्या करते हो, आई आस्क दैट पर्सन नॉट टू टेस्ट माई डॉग. ओके, देन हम दूसरे को कहते हैं कि मेरे डॉग को चिढ़ाओ मत. ओके, देन लास्ट है हर्ट, अगर आपके पेट को कोई भी हर्ट होता है, दर्द होता है तो आप क्या करते हैं, आई टेक माई डॉग टू, मतलब उसको जो मूड होता है वो आप ठीक करते हो, उसे देन डॉक्टर के पास ले जाते हो, तो यहाँ पे आपको लिख देना है. देन वी कीप सम पैट एनिमल एट होम, आप अगर रखते हो तो वी लुक आफ्टर देम टू, आप उसके साथ कैसे रहते हो वो सब, देन आप उसे क्या क्या खिलाते हो, आप उसको लुक आफ्टर मतलब उससे देखभाल कैसे करते हो. ओके, देन टेबल बिलो आर द नेम्स ऑफ द सम एनिमल्स एंड कंप्लीट द टेबल, देन आप यहाँ पे आपको नेम्स ऑफ द एनिमल, आपको एनिमल के नेम दिए हैं, एंड वाई डू वी कीप देम. ओके, वो हमें क्या क्या देते हैं, देन डॉग, तो डॉग हम क्यों रखते हैं, बोला है कि डॉग, तो डॉग को हम क्यों रखते हैं, तो इट बी इट प्रोटेक्ट हर हाउस फ्रॉम स्ट्रेंजर. ओके, कोई अजनबी होते हो तो उसके, मतलब कोई अजनबी होते हैं तो वो हमारे घर पे ऐसे ही आना जाए, मतलब एंटर ना कर जाए, इसलिए हम घर की रखवाली के लिए डॉग को रखते हैं. देन काउ इट गिव्स मिल्क, तो यहाँ पे हमें लिखना है काउ. यहाँ पे हम लिख देंगे काउ. ओके, इट पुल्स द कार्ट, और जो अपने कार्ट को खींचता है, इट पुल्स द कार्ट, तो वो कौन है, हॉर्स, हॉर्स होगा और ब्लॉक, ब्लॉक कार्ट्स. ओके, देन ऑक्स, ऑक्स क्या करता है, तो प्लोज द फील्ड. ओके, तो हमारे वो खेतर को हल मतलब खेड़ता है. ओके, तो प्लोज द फील्ड हम यहाँ पे लिखेंगे प्लोज द फील्ड. देन हैन, हैन क्या कर मतलब हैन, इट गिव्स एग, वो हमें एग देती है, तो इट गिव्स एग, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मिल्क, इट गिव्स मिल्क, ऐसे हमें यहाँ पे लिखना है इट गिव्स मिल्क, इट गिव्स एग. ओके, देन फिश, हम क्या उसे ईटिंग, ओके ईटिंग, तो यहाँ पे ईटिंग लिख देना है. अगर हम खाते नहीं तो ऐसे ही हम मतलब कि एक ऐसे रख सकते हैं, हम पानी के अंदर हम उसे पॉट में रखते हैं, वैसे हमें यहाँ पे लिख देना है. देन कैट, तो वी लव इट, हमें कौन सा पेट मतलब हमें कौन सा एनिमल पसंद है ज़्यादा, तो कैट. देन हनी बी, इट गिव्स हनी, वो हमें हनी शायद देती है. देन यहाँ पे है बर्ड बैट, टेक अ स्मॉल इटन अर्थन पॉट, आपको एक छोटा मिट्टी का बर्तन लेना, हैविंग अ वाइन माउथ, उसका बड़ा सा माउथ हो. देन टाई द पॉट विथ अ रॉप, देन उसे रस्सी के साथ बांध लेना है, बाद में उसे लटकाना है. हंग इट शॉन इन द पिक्चर्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो. देन सम वाटर इन द पॉट, देन हमें आपको थोड़ा सा पानी उसमें डालना है. देन ब्रांचेस ऑफ ट्री और ऑन हुक आउटसाइड योर हाउस, देन आपके घर के बाहर जो ट्री की डाली होती है उसके ऊपर आपको लटका देना है, ऐसे आपको करना है. देन ये क्वेश्चन आंसर है. देन ये वो इट्स वॉट, आप यहाँ पे कई सारे एनिमल्स है, मैच द ड्रॉइंग लाइन्स, आपको यहाँ पे ड्रॉ लाइन्स करनी है ऑफ डिफरेंट कलर्स, एंड वन एग्जांपल इज शोन, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि ये गोट है तो क्या खाती है, चपाती, चपाती फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ग्रास खाती है. ओके, तो जैसे कि मॉस्किटोज है, यहाँ पे मॉस्किटोज है, तो वो क्या खाते हैं, तो वो
मतलब कि मॉस्किटो कुछ मतलब कि वो क्या खाते हैं, तो वो भी इस छोटे छोटे मॉस्किटोज खाते हैं। देन लिजार्ड है, तो लिजार्ड क्या खाती है, तो वो एंट को खाती है, मॉस्किटोज को खाती है। देन स्नैक क्या खाते हैं, स्नैक क्या खाते हैं, तो लिजार्ड को खाते हैं। देन स्पैरो, देन रेड को भी खाते हैं। देन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग क्या खाते हैं, तो चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, देन चपाती। देन ब्रेड क्या खाते हैं, चपाती। ओके, तो ऐसे आपको डिफरेंट कलर से लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, देन आगे है राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल। यहाँ पे आपको एनिमल के नेम लिखने हैं। यू हैव टच, आपने टच किया, जो एनिमल को आपने टच किया हो, लाइक अ स्पैरो, स्पैरो आप यहाँ पे एग्जांपल में लिख सकते हैं, स्पैरो, डॉग, रैबिट, कैट। ओके, आपको जो आपने छुआ हो, यू हैव नॉट टच, आपने छुआ नहीं है पर आप छू सकते हो, तो एलिफेंट, हॉर्स, कैमल, ओके, देन काउ, वो सब जो आप छू नहीं सकते, जो जिस एनिमल को आप छू नहीं सकते, जैसे कि लायन, लाइक अ स्नेक, क्रोकोडाइल, टाइगर। ओके, तीन यहाँ पे छोटी सी स्टोरी दी गई, द क्वीन गार्डन, द गार्डनर यहाँ पे फर्स्ट दिया है, हमें नंबर वाइज इसे लर्न करना है। ओके, द गार्डनर हैज़ ब्रॉक्ट मैंगोज फ्रॉम द क्वीन गार्डन। तो जो एक गार्डनर है माली, वो क्वीन गार्डन से सारे आम लाया है, सो मेनी मैंगोज, गुड। तो वो जो क्वीन है वो क्या बोल रही है कि सो मेनी मैंगोज, इतने सारे मैंगोज, अच्छा है। देन गार्डनर क्या बोलता है, योर मैजेस्टी, देर वुड हैव बीन डबल एट द अमाउंट इफ़ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन डैम। देन वो क्या बोल रहा है कि इससे भी ज़्यादा मैंगो होते पर बर्ड ने नहीं खाए होते। तो देन वो क्वीन क्या बोलती है, वॉट डिड यू से, तुम क्या बोल रहे हो, द बर्ड हैव ईटन द मैंगोज, बर्ड ने ये सारे आम खाए, बर्ड ने सारे आम खा गई, बर्ड सारे आम खा गई। देन वाई डिड यू अलो द बर्ड्स इन टू द गार्डन, क्यों आपने आने दिया बर्ड्स को गार्डन में। ओके, देन गार्डनर क्या बोलता है, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो, आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इन टू द गार्डन में, एक भी बर्ड को आने नहीं दूंगा। देन नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में बताया है, फ्यू मैंगोज, देन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर कितने सारे थे, तो अब इतने ही क्यों, वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन, तुमने क्यों बर्ड को आने दिया, तुमने क्यों बर्ड को गार्डन में आने दिया। ओके, देन ये गार्डनर बोला है, आई स्टॉप देम योर मैजेस्टी, मैंने बर्ड को यहाँ पे आने ही नहीं दिया है गार्डन में, आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड एंटर, मैंने एक भी बर्ड को यहाँ पे गार्डन में अंदर आने नहीं दिया है। बट दिस ईयर द इंसेक्ट्स हैव ईटन द मैंगोज, पर बट इस ईयर क्या हुआ है, इंसेक्ट्स ने ये सारे आम खा लिए। तेन यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे है इंसेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हमें कि इफ़ देर हैड बीन बर्ड देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट्स, अगर बर्ड आते तो वो ये सारे इंसेक्ट्स को खा जाते, कि आम के ऊपर इंसेक्ट्स को नहीं आने देते। देन वी वुड नॉट हैव लॉस्ट सो मैनी मैंगोज, देन अगर बर्ड आते वो आम को थोड़े कुछ खाते पर वो इंसेक्ट्स को आम के ऊपर नहीं आने देते। ओके, तो यहाँ पे पूरा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।